सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवलरपीडिया को और बेल आइकॉन को दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट जहां से उड़ान भरना हो सकता है जानलेवा। कोरोना वायरस के कारण फिलहाल दुनिया भर में उड़ानें बंद हैं। तरीके सोचे जा रहे हैं जिससे यात्रा करने वालों को संक्रमण से बचाया जा सके, चाहे उसके लिए मिडिल सीट खाली छोड़नी पड़े या फिर फ्लाइट में बैठने और उतरने के दौरान ज्यादा स्क्रीनिंग करानी पड़े। माना जा रहा है कि वायरस की रफ्तार घटने के बाद भी काफी लोग एयर ट्रैवल से तौबा कर लेंगे। हालांकि वायरस से जान के डर के अलावा दुनिया में कई एयरपोर्ट ऐसे भी हैं जहां जाने वालों को वाकई जान का खतरा सताता है। इनकी भौगोलिक स्थिति इन्हें जानलेवा बनाती है। जानिए दुनिया के सबसे डरावने एयरपोर्ट्स को। नेपाल का तेंजिंग हुलेरी एयरपोर्ट, जिसे लुकला एयरपोर्ट भी कहते हैं, दुनिया के सबसे भयानक एयरपोर्ट्स में शामिल है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में माउंट एवरेस्ट के पास बना ये एयरपोर्ट 9,325 फीट ऊंचाई पर है। इसका रनवे काफी छोटा है जिसके कारण यहाँ छोटे विमान ही उतर सकते हैं। यहाँ रनवे के एक ओर पहाड़ियाँ हैं तो दूसरी ओर दक्षिण में लगभग 600 मीटर गहरी खाई है। यहाँ जाने के लिए खासा मजबूत कलेजा चाहिए। यही वजह है कि एवरेस्ट फतह करने की इच्छा रखने वाले ही यहाँ जाते हैं। भूटान का पैरो एयरपोर्ट और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ उतरने या उड़ान भरने के लिए आज तक दुनिया के सिर्फ 17 पायलट्स को ही अनुमति मिल सकी है। ये 18,000 फीट के पहाड़ों से घिरा हुआ है जहाँ का रनवे 6,500 फीट का है। यहाँ दोपहर होते ही धूप अंधेरा होने लगता है, इसलिए सिर्फ दिन की रोशनी में ही एयरपोर्ट पर आया जाया जा सकता है। कैरेबियाई द्वीप साबा का वांचोई यूरोस्कुन एयरपोर्ट किसी भी कमजोर दिल वाले की हालत खराब कर सकता है। यहाँ दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है जो एक चट्टान पर बना है और तीन तरफ समुद्र से घिरा है। इस रनवे की लंबाई करीब 396 मीटर है जबकि आम रनवे 2000 से 2500 मीटर लंबे होते हैं। यही वजह है कि जिस फ्लाइट की स्पीड तेजी से घट सके वही यहां आ सकता है, वरना बड़ी दुर्घटना तय है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी के तहत आता है। इसकी रनवे समुद्र के बीचों बीच है जो वहीं से शुरू और वहीं खत्म होता है। ये सिंगल लेन है जहां किसी भी हाल में फ्लाइट मोड़ नहीं सकती है। पहाड़ों और समुद्र के बीच होने के कारण इस एयरपोर्ट में हर दम तूफानी हवाएं चलती होती हैं और कई पायलट्स यहां से उड़ान भर पाते हैं। हांगकांग का काई टाक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था जो खतरों की वजह से साल 1998 में ही बंद हो चुका। इसके नाम में ही खतरा छिपा हुआ है। काई टाक यानी मैंडेरियन भाषा में होता है दिल का दौरा पड़ना। यहां लैंड करना दिल के दौरे को बुलावा देने से अलग नहीं था। दोनों तरफ से रिहायशी मकानों से घिरे इस एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान यात्री लोगों के घरों की खिड़कियों दरवाजों से तक झांकते हुए उतरते थे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।